हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे डिकैल्सिफिकेशन के बारे में। तो इससे पहले हम डिस्कस किया था सॉफ्ट टिश्यू लेकर और टिश्यू प्रोसेसिंग तक। तो आज हम डिकैल्सिफिकेशन के बारे में बोलेंगे। डिकैल्सिफिकेशन क्या है, क्यों हम लोग डिकैल्सिफिकेशन करेंगे, डिकैल्सिफिकेशन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे किया जाता है, डिकैल्सिफिकेशन का कौन सा टिश्यू हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसके बारे में। तो डिकैल्सिफिकेशन क्या है, डिकैल्सिफिकेशन हम लोगों को हड्डी में जो कैल्शियम टिश्यू में जो कैल्शियम रहता है वो कैल्शियम रिमूव करने के बाद टिश्यू को सेप्ट करके हम लोग जो सेक्शन करने का लाइक कर देते हैं उसको कहते हैं डिकैल्सिफिकेशन। तो इसका रीजन क्या है, क्या क्यों हम डिकैल्सिफिकेशन करेंगे, क्योंकि अगर डिकैल्सिफिकेशन जो टिश्यू के अंदर जो सॉल्ट रहता है कैल्शियम सॉल्ट, वो डिकैल्सिफाई करने से क्या है टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के क्या होता है, हम माइक्रोटोम नाइफ से काट सकते हैं, प्रॉपरली कट सेक्शन कर सकते हैं एंड उसका प्रॉपर डायग्नोसिस का प्रॉपर रिपोर्ट होगा। तो इसलिए हम लोग डिकैल्सिफिकेशन करेंगे। तो डिकैल्सिफिकेशन का टेक्निक क्या है, डिकैल्सिफिकेशन कैसे किया जाता है, डिकैल्सिफिकेशन करने का टेक्निक, पहले सिलेक्शन ऑफ टिश्यू का, कौन सा टिश्यू हम सिलेक्ट करेंगे डिकैल्सिफिकेशन करने के लिए, उसका फिक्सिस भी क्या है, उसका डिकैल्सिफिकेशन कैसे किया जाता है, वो जो डिकैल्सिफिकेशन 100% हुआ कि नहीं है वो कैसे हम पहचानेंगे, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, जो टिश्यू का हम डिकैल्सिफिकेशन किया है वो जो टिश्यू का हम न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा थ्रू वॉशिंग करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, सिलेक्शन ऑफ टिश्यू क्या था, कौन सा टिश्यू हम सिलेक्ट करेंगे डिकैल्सिफिकेशन करने के लिए, और नंबर वन है बोन और कैल्सिफाइड टिश्यू। कैल्सिफाइड टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू के अंदर क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिट होने के बाद वो हार्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग कैल्सिफाइड टिश्यू कहते हैं। तो बोन टिश्यू, बोन माने जो फिंगर टिली या हमारा शरीर में जो 206 हड्डी है वो हड्डी से कई जगह से आ सकते हैं, तो वो हम लोगों को डिकैल्सिफिकेशन करना पड़ता है। तो पहले क्या करना होगा, उसको 4 to 5 millimeter थिकनेस स्लाइस करके काट के डिकैल्सिफिकेशन करना पड़ेगा, और कैल्सिफाइड टिश्यू को भी वो 4 to 5 millimeter स्लाइस में काटना होगा। फिक्सेशन क्या है, एक कैल्सिफाइड टिश्यू को फिक्सेशन करने के तो टेक्निक है। ये हम लोग फिक्सेशन कर सकते दो तरह से, एक है म्यूजियम के लिए, दो नंबर है क्या नॉर्मल रूटीन लेबोरेटरी वर्क के लिए। तो क्या होता है, मैक्सिमम फिक्सेटिव क्या होता है, वो डिकैल्सिफाई कर देता है, डिकैल्सिफिकेशन नहीं करते, लेकिन ये एक्सपेंसिव है इसलिए हम लोग रूटीनली नहीं यूज करें, रूटीनली माने ये रूटीनली यूज नहीं कर सकते हैं, तो एक्सपेंसिव है। ये इथेनॉल को हम लोग यूज करेंगे म्यूजियम टेक्निक के लिए। म्यूजियम में जब हम जो बोनी टिश्यू बोन हम म्यूजियम करके रखेंगे तो वहां पर फिक्स करने के लिए हम लोग इथेनॉल यूज करते हैं, नहीं तो नॉर्मली हम लोग पिक्लिक एसिड फॉर्मेलिन यूज करते हैं। लेकिन ये मार्किलिन क्लोराइड पिक्लिक एसिड, इसका भी डिसएडवांटेज है नॉर्मल रूटीन लेबोरेटरी में। इसमें क्या डिसएडवांटेज है, एक टिश्यू का मॉर्फोलॉजी चेंज कर देता है। पिक्लिक एसिड क्या करता है, ये क्या करते हैं, इसके जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेनिंग वाला पार्ट है, स्टेनिंग में ये इंटरफेयर करता है, लेकिन फॉर्मेलिन ये कुछ नहीं करता है। तो यूनिवर्सल हम लोगों को इनमें लेबोरेटरी वर्क के लिए जो रूटीन वर्क है उसके लिए बोन का फिक्सेटिव है फॉर्मेलिन, और नहीं तो यूनिवर्सल और नहीं तो वो सबसे अच्छा जो आपका फिक्सेटिव है जो डिकैल्सिफिकेशन नहीं करता है वो इथेनॉल, जो म्यूजियम में यूज करता है करते हैं हम लोग। तो डिकैल्सिफिकेशन का मेथड कैसे है, कैसे हम करते हैं, क्या क्या उसका प्रिंसिपल है, तो क्या करता है, एसिड से कर सकते हैं, आयन एक्सचेंजिंग रेजिन से कर सकते हैं, चिलेटिंग एजेंट से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक रिमूवल से, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से भी होता है। तो एसिड कौन सा एसिड हम लोग यूज करेंगे, 5% नाइट्रिक एसिड, 10% फॉर्मिक एसिड, आयन एक्सचेंजिंग इसको कैसे हम कर सकते हैं, सल्फोनेटेड पॉलीस्टेरीन, ये रिसर्च पर्पस यूज होता है। चिलेटिंग एजेंट हम लोग जानते हैं, चिलेटिंग एजेंट है ईडीडीए, और इलेक्ट्रोफोरेटिक रिमूवल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से होता है। तो ये डिकैल्सिफिकेशन इसी तरह होता है।
तो डिकल्सिफिकेशन कैसे हम करेंगे? डिकल्सिफिकेशन हम पहले बात इसके पहले बताया था, एसिड से हो सकता है, चिलेटिंग एजेंट से हो सकता है, आयनाइजिंग एजेंट से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हो सकता है। तो कौन सा एसिड हम लोग यूज करेंगे, कितना परसेंटेज यूज करेंगे? हम यूज करेंगे 5% एक्वस नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम मानेंगे नाइट्रिक एसिड 5 ml, डिस्ट्रीब्यूटर 95 ml। इसमें टाइम कितना लगेगा? 12 to 24 hours। जो 5 ml स्लाइस के लिए, वो जो बोनी टिश्यू का स्लाइस लिया है वो बैर के लिए। तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज रैपिड डिकल्सिफिकेशन करता है एक्वस नाइट्रिक एसिड। 10% फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड 10 ml लेना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर 90 ml लेना होगा। इसमें भी टाइम 12 to 24 hours लगते हैं। डिकल्सिफिकेशन करता है तो मार्केट में अवेलेबल है, सब हम नहीं लिखा है, ये सब आप लोग जानते हैं। चिलेटिंग एजेंट क्या करता है? चिलेटिंग एजेंट ईडीए, ईडीए क्या करता है? टिश्यू के अंदर जो कैल्शियम है वो कैल्शियम को बाइंड करके और डिपोजिट कर देता है। तो चिलेटिंग एजेंट कैसे हम बनाएंगे? ईडीए 5 to 6 ग्राम लेना पड़ेगा, और 10% 100 ml फॉर्मलिन लिखता है, जगह जो 100 ml होगा। इसमें टाइम कितना लगेगा? 5 ml कितने जो बॉडी टिश्यू है उसके लिए लगेगा? 7 to 21 days। इसमें टाइम बहुत लगता है। इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें एडवांटेज है ईडीए कॉम्बाइन विद कैल्शियम एंड डिनोमिट, वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है, वो रिमूव कर देता है। एक बॉडी टिश्यू को कोई डैमेज नहीं करता है। एंड पॉइंट डिटेक्शन हो सकता है इसमें भी, आयोडीन रेजिन, ए सल्फोनेट, पॉलीस्टेरीन, एक रेजिन यूज करते हैं हम लोग। ये क्या करते हैं? डिकल्सिफिकेशन फ्लूइड के अंदर दे देते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है? रैपिड डिकल्सिफिकेशन होता है, स्मॉल क्वांटिटी रेजिन लगता है, ए रेजिन डिकल्सिफिकेशन फ्लूइड के नीचे रखना पड़ता है, ए रेजिन फ्लूइड से हम लोग यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिंग मेथड, इलेक्ट्रोफोरेटिंग मेथड में क्या होता है? एसिड और फॉर्मिक एसिड हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस लाइटिंग सोल्यूशन यूज करते हैं, सोल्यूशन बना यूज करते हैं। अब क्या होता है? इलेक्ट्रो सोल्यूशन के अंदर दे देने से क्या होगा? कैल्शियम नेगेटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड्स है वहां पर चला जाएगा। तो इसमें भी रैपिड डिकल्सिफिकेशन होगा। ये जो 5 प्रोसीडियर हम बताया है कैसे डिकल्सिफिकेशन करते हैं हम लोग, इसमें एक चिलेटिंग एजेंट छोड़ के ये जो चार्गो और जो बाकी चार्गो है, ये चार्गो में क्या होता है? हीट जेनरेट होता है। हीट जेनरेट होने से क्या होगा? टिश्यू का एक्सटर्नल को इंटरनल डैमेज होता है, लेकिन ये चार्गो में क्या होता है? जल्दी डिकल्सिफिकेशन होता है। ये लोग हम क्यों करते हैं? इतना डैमेज होने के बाद भी हम लोग करते हैं क्योंकि ये डिकल्सिफिकेशन जल्दी हो जाता है, पेशेंट का डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग अगर एक्यूरेट डिकल्सिफिकेशन मांगता है तो वो लोग हमारा है चिलेटिंग एजेंट देकर, वो लाइन टाइम बहुत लेता है। अगर कोई छोटा टिश्यू, छोटा कैल्सिफाइड टिश्यू और आपका टिफाइन बायोप्सी होता है जो, वो उसमें अगर हम लोग चिलेटिंग एजेंट से करते हैं तो वो बढ़िया होता है। तो ये डिकल्सिफिकेशन करने का प्रोसीजर हम प्रैक्टिकल नहीं है, हम थ्योरी में ऐसा करना होगा डिकल्सिफिकेशन। इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? प्रिकॉशन लेना होगा, एक दिन फ्लूड में देना दे दिया उसमें लॉन्ग टाइम नहीं रखना पड़ेगा, रखना होगा, क्योंकि रखने से क्या होता है? डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को डेली 2 से 3 बार चेक करना पड़ेगा, फिजिकली चेक करना पड़ेगा। आज के हम लोग जब डिकल्सिफिकेशन हो गया तो उसमें वो जो फ्लूइड है, फ्लूइड का एंड पॉइंट डिटेक्शन करना होगा, मतलब वो डिकल्सिफिकेशन पूरा पूरी हुआ कि नहीं हुआ, ये हम लोगों को जरूरी है। तो डिकल्सिफिकेशन का एंड पॉइंट, डिकल्सिफिकेशन फ्लूइड का जो एंड पॉइंट है वो जरूरी है। और इसको हम लोग जो डिकल्सिफिकेशन फ्लूइड में रखा है वो डेली 2 से 3 बार चेक करना पड़ेगा। डिकल्सिफिकेशन के बाद आता है डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डिकल्सिफिकेशन। तो डिकल्सिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ ये हम लोग कैसे उसका एंड पॉइंट उसका डिटेक्शन करें? तो ये डिटेक्शन करने के लिए हम लोगों के पास 2-3 उपाय है, एक तो फिजिकल मेथड, एक तो केमिकल टेस्ट और एक तो एक्सरे है। तो फिजिकल मतलब मैंने हम लोग विजुअली देख के बा वो कोई फील करके हम समझ सकते हैं। तो फिजिकली कैसे होता है? जो अगर वो टिश्यू पैल्पेबल हो जाएगा तो उसको हम लोग
बोल सकते हैं जो डिकैल्सिफिकेशन हो गया बा वो फोल्ड हो सकेगा तो उसका हो गया, एंड इंजेक्ट नीडिल हम लोग टिश्यू के अंदर घुसा देगा, अगर उसका कोई नेगेटिव प्रेशर नहीं काम करेगा तो हम लोग समझ जाएगा जो उसका डिकैल्सिफिकेशन हो गया। लेकिन ये जो फिजिकल मेथड है ये अनसेटिस्फेक्टरी है, बिकॉज ये हम लोग तो सब जगह नहीं घुसा सकता है नीडिल, तो कहीं कहीं कंसर्न रह सकता है थोड़ा अमाउंट, तो इसलिए यह आंसर इस फैक्टर है। इसके बाद आता है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट का एम क्या है? इसका एम है जो टिश्यू के अंदर जो कैल्शियम रहते हैं वो कैल्शियम हम लोगों को हटाना पड़ेगा, हटा के वो टिश्यू को डिकैल्सिफिकेशन करना पड़ेगा, ये है हम लोगों का एम। तो प्रिंसिपल कैसे काम करता है, कैसे एक केमिकल टेस्ट होता है, टिश्यू के अंदर जो कैल्शियम सॉल्ट के आकार रहता है, सॉल्ट के अनुसार रहता है, वो सॉल्ट क्या करता है एसिड के साथ रिएक्शन करके वो टिश्यू के अंदर से वो सॉल्ट खींच के बाहर ले आते हैं, और टिश्यू को क्या क्या करता है सॉफ्ट हो जाता है टिश्यू, उसके बाद हम लोग टिश्यू को सेक्शन कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, ये जो केमिकल टेस्ट है ये जो कैसे प्रोसीजर होता है, तो पहले ही ये तो चीज है ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, जो हम लोग जो टिश्यू डिकैल्सिफिकेशन फ्लूइड में रखेंगे वो फ्लूइड का वॉल्यूम सब समय 20-25 टिश्यू से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका पहले जो डिहाइड्रेशन फिक्सेशन ग्रॉसिंग है उस टाइम में हम बताया था, तो इस टाइम भी बता रहा है जो टिश्यू हम डिकल्सिंग फ्लूइड में देगा वो 20-25 वॉल्यूम टिश्यू से ज्यादा होना चाहिए। जो टिश्यू में हम जो फ्लूइड में हम डिकल्सिफिकेशन किया था वहां से हम फाइल में एक तो टेस्ट में ले लिया, उसके बाद वहां पर क्या किया कॉन्सेंट्रेट लाइक एन एमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप दे दिया। क्यों? ये अल्कलाइन करने के लिए, ये अल्कलाइन करने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग है जो स्टेप है उसमें अल्कलाइन होना चाहिए। तो एक ऐसा हम टेस्ट करेंगे जो अल्कलाइन हुआ कि नहीं हुआ लिटमस पेपर लेकर, अगर ए स्टेप में कॉन्सेंट्रेट एमोनिया देने से अगर वो व्हाइट कैविटी हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएगा जो इसमें अभी तक कैल्शियम है टिश्यू के अंदर है, डिकल्सिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या हुआ, ये हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर क्लियर हो गया, अगर ये लाइकेन अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करने के बाद अगर इसमें कोई आपका कोई व्हाइट कैविटी नहीं हुआ तो क्या करें हम, 0.5 ml सैचुरेटेड अमोनियम ऑक्सलेट डालेंगे। अमोनियम ऑक्सलेट डालने से क्या होगा, अगर कैल्शियम सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रहेगा तो क्या होगा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बना देगा, ये क्रिस्टल बनाने से क्या होगा तो सॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या होगा वो टर्बिड हो जाएगा, व्हाइट कलर टर्बिडिटी हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, तो हम लोग समझ जाएगा जे उसमें अभी तक कैल्शियम है, तो हम लोगों को डिकल्सिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम लोग फिर से फर्दर डिकल्सिफिकेशन प्रोसेस चालू करें। अगर वहां पर कोई डिकल्सिफिकेशन वहां पर कोई व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट हुआ चाहे टाइबिलिटी नहीं हुआ तो हम क्या करें, वो जो सैंपल है वो सैंपल हम लोग 30 मिनट्स रख देंगे। 30 मिनट्स रखने के बाद अगर उसमें कोई टाइबिलिटी या व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं हुआ तो हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। और एक तो प्रोसीड्यूर है एक्स रे क्या करना होगा, डिकल्सिफिकेशन होने के बाद आप लोगों को जब हम लोगों को जब समझ में आ जाएगा जो डिकल्सिफिकेशन हो गया तो हम लोग क्या करें एक तो उसका एक्स रे लेना होगा। एक्स रे पेट में क्या होगा व्हाइट सॉफ्ट टिश्यू शेडो होगा, ये शेडो अगर हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएगा डिकल्सिफिकेशन। लेकिन ये एक्स रे देखने का क्षमता हम लोगों को नहीं है, ये पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट देख सकते हैं वो, बट ये जो एक्सरे है ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो इसलिए हम लोग ये दो उपाय करते हैं, ये दो उपाय से हम लोग इन पॉइंट डिटेक्शन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिलायबल है केमिकल टेस्ट। अफ्टर इन पॉइंट डिटेक्शन के बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, क्योंकि ये स्टेप करने का जरूरत ऐसा है क्योंकि ये न्यूट्रलाइजर जो डिकल्सिफिकेशन किया था वो जो मिनरल एसिड था वो अगर हम लोग नहीं हटाएंगे टिश्यू से तो टिश्यू परमानेंटली तो टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं और कर सकता है। और क्या है ये जो एसिड रहने से क्या है इसका जो नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन क्लियरिंग एम्बेरिंग है यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है।
तो ये हम लोग ये एसिड को हटाएंगे, तो एसिड को हटाने के लिए हमको दो 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 तरह से होता है, दो तरह के होता है। एक तो है रनिंग टैप वाटर में अगर हम ओवर नाइट रख देंगे तो हो सकता है, और नहीं तो क्यों कुछ बेसिक और जो बेसिक हम लोग मिनरल्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो बेसिक मिनरल्स के मतलब क्या होता है, 5% लिथियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट एडमिसिबली हो जाता है ओवर नाइट। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। इसके बाद अगर है वॉशिंग, अगर कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया तो क्या करना होगा, रनिंग कैप ऑर्डर में दे देना होगा। अगर रनिंग कैप ऑर्डर में नहीं दे चाहता है तो क्या करना है, 70% अल्कोहल में 3-4 आवर्स रखने से और ओवर नाइट रखने से ये वॉशिंग हो जाएगा। तो वॉशिंग होने के बाद क्या होगा, फिक्सेशन डिहाइड्रेशन क्लियरिंग एम्बेडिंग और ब्लॉकिंग। तो ये फिक्सेशन डिहाइड्रेशन क्लियरिंग एम्बेडिंग ये तो नॉर्मल टिश्यू के लिए, तो ये टिश्यू अगर बोनी टिश्यू का हम लोग डिकैल्सिफिकेशन कर दिया तो वो तो नॉर्मल टिश्यू ही बन गया। तो नॉर्मल टिश्यू बनने के बाद उसका तो डिहाइड्रेशन क्लियरिंग एम्बेडिंग करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन हो सकता है कि यू दो बार हम लोग फिक्सेशन करेंगे, क्योंकि टिश्यू आने के बाद आने के पहले जो बॉडी से जब निकाल किया था तो उस टाइम फिक्सेशन में दिया था, ग्रॉसिंग के बाद भी फिक्सेशन में दिया था, अभी क्यों फिक्सेशन में, टिश्यू प्रोसेसिंग का पहले तो फिक्सेशन क्यों दरकार है। ये इसलिए दरकार है क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो फिक्सेशन के बारे में कोई हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिक्सेशन ज्यादा ज्यादा से ज्यादा होने से ठीक है, नहीं तो अगर 1% फिक्सेशन नहीं हो तो वो टिश्यू पुट्रिफिकेशन डिकम्पोज में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये स्टेप रख दिया तो रखा है। ये सब लेबोरेटरी में होता है और आपका ऑटोमेटिक प्रोसेसर में एक तो स्टेप ही है फिक्सेशन का। तो डिहाइड्रेशन क्लियरिंग एम्बेडिंग ये तो नॉर्मल चीज ही है। तो ये है डिकैल्सिफिकेशन और बोनी टिश्यू का प्रोसेसिंग। और ये जो डिहाइड्रेशन क्लियरिंग एम्बेडिंग और ब्लॉकिंग ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप भी उधर से देख सकते हैं। थैंक यू।